ओके तो देर यू आर आज सुबह में हम लोग कर रहे थे लास्ट जब कर रहे थे कम्युनिकेटिव लॉ देयर इज अ प्रूफ दैट पी बार प्लस क्यू बार इज क्यू बार प्लस पी बार तो मैंने एक डायग्राम बनाया था दिस इज फर्स्ट वन देखो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज फर्स्ट व्हाट आई डू आई बी डूइंग ग्रीन ग्रीन सर्कलिंग कर देता हूं तो आपको पता चलेगा दिस इज फर्स्ट इसमें क्या किया हमने पी बार को फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया एस ओ ए बार फिर क्यू बार को मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया ए बी बार फिर लाइन जॉइनिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द सेकंड वेक्टर एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर ओ बी बार विल बी आर बार दैट इज ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ओ बी बार ए ए गेट्स कैंसिल ऐसे याद रखो ओ ए बार इज पी बार ए बी बार इज क्यू बार सो पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर बार नाउ ये हमने निकाला पी बार प्लस क्यू बार दिस इज नथिंग बट आर आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार नाउ वी वांट टू गेट क्यू बार प्लस क्यू बार मतलब क्यू बार पहले ड्रॉ कर दें दिस आई एम बीइंग सेकंड दिस आई एम बीइंग सेकंड इसको क्या करता हूं मैं इसको रेड सर्कल करता हूं तो यहाँ पर मैंने क्यू बार पहले ड्रॉ करना है तो मैं क्या करता हूँ पहले क्यू बार ड्रॉ करता हूँ दिस इज व्हाट इज क्यू बार एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ करना है जो यहाँ दिख रहा है ना बिल्कुल वैसे कैन यू सी दिस इज व्हाट इज क्यू बार दिस इज द फर्स्ट वेक्टर लेट मी रिप्रेजेंट बाय ओसी बार फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर दैट इज व्हाट इज पी बार That is CB bar. All right. When the line joining beginning of the first vector to the end of the second vector gives, so this is nothing but even Q bar plus P bar. So Q bar plus P bar ka bhi answer yahi aata hai. So idhar likhta hu main is Q bar is first vector. And P bar is second vector. Then anybody can tell me, जैसे इधर लिखा था O A bar plus A B bar equal to O B bar. वैसे यहाँ क्या लिखूँ? Anyone who can tell me? What should I write? जैसे यहाँ लिखा था O A bar plus A B bar is O B bar. तो यहाँ पे क्या लिखूँ? Second figure में. Anybody? C bar plus CB bar. That is right. Equal to what? Very nice. Very nice. Margesh. Equal to OB. That is OB bar. बोलो हमेशा. OC bar plus CB bar equal to OB bar. And therefore, what should I write? Q bar plus P bar equal to R bar. This is equation number two. And from one and two. From 1 and 2, P bar plus Q bar equal to Q bar plus P bar. Hence, we prove commutative law. इसमें है ना सबसे बड़ा खेल किधर होता है? Anyone can tell me? सबसे पहला खेल किधर हुआ? Main खेल? Yes, who will tell me the main खेल किधर है? Main खेल is to draw proper diagram. एक बार diagram draw कर दिया ना तो खत्म. देखो दिस प्लस दिस इज ऑल्सो दिस एंड दिस प्लस दिस इज ऑल्सो दिस तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस खल्लास आई होप दैट्स क्लियर यस सर इज दैट क्लियर बोलो बच्चों यस सर ये पर्टिकुलरली विल्सन कॉलेज में बहुत पूछते हैं ये लोग ये और एसोसिएटिव लॉ के बाद लिख दो इतना कॉपी कर लिया हमने इसके बाद में लिखो प्रूव दैट
वेक्टर एडिशन प्रूव दैट वेक्टर एडिशन ओबेज ओबेज असोसिएटिव लॉ ओबेज असोसिएटिव लॉ obeys associative law. Obeys associative law. थोड़ा सा आज ये हिल रहा है. हाँ बस अब ठीक है. Obeys associative law. अबे ना anybody knows what is associative law? बोलो बोलो. Anyone knows what is associative law? Associative law है कोई जो बताएगा मुझको associative law. देखो क्या कहता है मालूम है एसोसिएटिव लॉ टू प्रूव दैट पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार ये आर बार रिजल्टर नहीं है तीसरा वेक्टर है मैं ए बी सी लूं तो ज्यादा अच्छा है यू वांट ए बार बी बार सी बार और पी क्यू आर चलेगा व्हाट यू थिंक सर कोई भी चलेगा क्या सर कोई भी चलेगा ए बी सी या फिर पी क्यू आर हम बोलेंगे सर इसमें क्या है इसमें क्या है तो इसमें ये है कि पी बार प्लस क्यू बार का ब्रैकेट इधर और क्यू बार प्लस आर बार का ब्रैकेट खाली ब्रैकेट का खेल है इसमें एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट का खेल है पूरा का पूरा देयर आर थ्री वेक्टर्स पी बार क्यू बार आर बार देखो इसमें है ना मैं आपको ऐसे बताता हूँ डायग्राम बनाएंगे इसके बारे में खुद लिखेंगे नहीं और अगर आपको लिखना है ना तो जीतू जीतू यस सर आपके पास बुक है बेटा इसकी अपनी हाँ सर है जरा क्वेश्चन 19 पढ़ो उसका क्वेश्चन 19 सो प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव बस 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 ये वाला आंसर कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताऊंगा आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू डायग्राम मेरा बनाना एक्सप्लेनेशन वहां से लिख देना देखो इधर देखो ये कोई कुत्ता नहीं चाहता हाँ विल्सन कॉलेज में जरूर आता है सपोज दिस इज पी बार एंड सपोज दिस इज क्यू बार एंड दिस इज आर बार ये तीन वेक्टर है और हमको प्रूव करना है पी बार प्लस क्यू बार ब्रैकेट में प्लस आर बार इज सेम एज पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार ऑलराइट मुझे एक बात बताओ हु विल टेल मी इन द क्लास इस वेक्टर का नाम क्या दूं? इस वेक्टर का नाम क्या दूं? मैंने डॉटेड बनाया क्योंकि वो फाइनल नहीं है इसका इस वेक्टर का नाम क्या दूं? ये पी बार है ये क्यू बार है इसका नाम क्या दूं? आर वन बार हाँ क्या आर वन बार क्या बोला आर वन बार तो तुम देख के कॉपी मार के बोल रहे हो बुक में आर वन बार लिखा है तो तुमने भी आर वन बार बोल दिया आई डोंट लाइक दैट ये पी बार है ये क्यू बार है तो ये क्या होगा अभी अभी तो बताया ट्रायंगल लॉ लाइन जॉइनिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर गिव्स विच वेक्टर पी बार का पी बार प्लस क्यू बार दैट इज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस इज नथिंग बट पी बार प्लस क्यू बार उसने आर बार लिखा है मुझे वो पसंद ही नहीं आया पी बार प्लस क्यू बार ये देखो ये वाला आंसर मिला ये ऑलराइट अब है ना दो वेक्टर पकड़ लो एक पी बार प्लस क्यू बार इज वन वेक्टर एंड ये सेकंड वेक्टर जनरली होता है ना फर्स्ट वेक्टर दिस इज सेकंड वेक्टर तो लाइन जॉइनिंग फर्स्ट टू सेकंड तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर अपना ये डॉटेड वाले का नाम क्या बताओ फर्स्ट वाले का नाम पी बार प्लस क्यू बार सेकेंड वेक्टर का नाम क्या है क्यू बार प्लस आर बार नो खाली आर बार है सेकेंड वेक्टर सर आर बार सेकेंड वाला
तो लाइन जॉइनिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी कि दिस लाइन, कहीं मैं इसका नाम क्या दूं, कैसे इट बी पी बार प्लस क्यू बार, ये वाला वेक्टर मैं इसको भी लाल में लिख देता हूं, पी बार प्लस क्यू बार, ऑल राइट, प्लस क्या लिखो ये सेकेंड वेक्टर इज व्हाट, आर बार, ये हमने ये वाला वेक्टर लिया है, ये दिस इज व्हाट इज वेक्टर वन, पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार, इज नथिंग बट सपोज नाम नहीं दे देते हम लोग, सपोज इसका नाम है ओ ए बी सी, ओ सी, ओ सी बार, अब मुझे क्या करना, सेकेंड वेक्टर ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड आ गई कि पी बार प्लस क्यू बार प्लस आई रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी बार, अब मुझे ये चाहिए, our first vector is this and second vector is q bar plus r bar, anybody can tell me what is q bar plus r bar, this is first vector, this is second vector, line joining the beginning of the first vector to the end of the second vector, yes tell me which vector I should draw, q bar plus r bar, ek minute khali iska naam kya do, mujhe kaun batayega sir, q bar plus r bar, that is right, who is that award bahut dheeme aa rahi hai, क्या नाम सर, जीतू, 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 लवली आंसर, दिस इज नथिंग बट क्यू बार प्लस आर बार, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर इज क्यू बार, सेकंड वेक्टर इज आर बार, तो लाइन जॉइनिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बार दैट इज क्यू बार टू द एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर गिव्स क्यू बार प्लस आर बार, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, अब मुझे बताओ I want to do this. What is the first vector? I want to do this right hand side. What is the first vector? Your first vector or your second vector? The first vector is OA. From the end of the first vector, draw the second vector. What is the second vector? Q bar plus R bar. So AC. A line joining the beginning of the first vector to the end of the second vector gives what? Gives this. So that this is also. P bar plus Q bar plus R bar. And thus, what we see, anybody can tell me, OC bar जो है वो ये भी है और ये भी है. OC bar जो है वो क्या है? ये P bar plus Q bar bracket में plus R bar. और वही OC bar P bar plus bracket में Q bar plus R bar. That means these two must be equal. इसका एक्सप्लेनेशन यू कैन कॉपी फ्रॉम द बुक, ऐसा लिख देता हूं, एक्सप्लेनेशन कॉपी फ्रॉम नोट्स एंड देयरफॉर फ्रॉम फिगर, ओसी बार पी बार प्लस क्यू बार equal to P bar plus, this proves associative law, copy कर लो इसको, इसको copy कर लो, diagram को, diagram copy किया है, diagram बहुत अच्छी तरह बनाना,
ओके कॉपी किया कॉपी किया बच्चों ओके इसके बाद में ऐसे लिखो पॉलीगॉन लो बाद में करता हूँ चलो पहले है ना पैरेललोग्राम लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस विल डेफिनेटली कम इन ऑल द एग्जाम्स व्हाटएवर मे बी द कॉलेज और इसका एप्लीकेशन 11th 12th आगे भी लाइफ में चलता रहेगा इसके बाद में लिखो स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अब है ना एक बात समझ में नहीं आई किसी को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए ये भी है ना दो वेक्टर के लिए और ट्रायंगल अभी दो वेक्टर के लिए रिजल्टेंट फाइंड आउट करना याद है ना इस ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स कंपोजिशन क्या होता है मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ट्रायंगल तो हमने पढ़ा वो दो वेक्टर के लिए था अब ये भी दो वेक्टर के लिए है तो इसमें है ना डिफरेंस कौन बताएगा आई वुड लाइक टू नो जैसे है ना मैं एग्जांपल देता हूँ ये सपोज पहला सर ट्रायंगल में शायद तक सर तो जो डायग्राम ट्रायंगल फॉर्म में रहता होगा सर पैरेलोग्राम में फिर पैरेलल या दैट इज अ वेरी गुड थिंकिंग लेकिन मैं आप बताता हूँ डिफरेंस क्या है पहले से बता देता हूँ सपोज दिस इज 3 न्यूटन दिस इज अभी जाने दो वैल्यू भी लेता हूँ This is certain length, let us say OA. This is AB. And then this is what is? Let us say P bar and Q bar. So, yeah, answer is R bar equal to P bar plus Q bar. इसमें करना क्या पड़ता है इसमें पूरा पूरा हमको ड्रॉ करना पड़ता है ये लेंथ ड्रॉ करो फिर ये लेंथ ड्रॉ करो फिर ये लेंथ मेजर करो फिर उसको स्केल से मल्टीप्लाई करो तब जाके हमको वैल्यू मिलती है मतलब इट इज प्योरली ग्राफिकल प्योरली क्या होता है ये ग्राफिकल मतलब ऐसे भी एक्ट करना होगा ना सुनो एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे भी है तो भी हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ऐसे और फिर तो ये है ना पूरा ग्राफिकल मेथड है और आजकल ग्राफ नोबडी लाइक्स दे लाइक व्हाट एंड टेल मी वन थिंग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू प्रीफर ग्राफ और यू वांट अ फॉर्मूला सर फॉर्मूला दो फॉर्मूला है क्यू कितना है ये पी ए की वैल्यू सपोज 4 न्यूटन क्यू की वैल्यू सपोज 10 न्यूटन और एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री तो सर सीधा बताओ ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला कौन ये ड्रॉ करते बैठेगा यू वांट फॉर्मूला और यू वांट ग्राफ टेल मी ऑनेस्टली नहीं नहीं सर फॉर्मूला तो पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर का जो आंसर निकलता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेथड है वो फॉर्मूला देगा आपको सीधा वैल्यू डालो पी की क्यू की और एंगल बिटवीन देम की स्ट्रेट अवे रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा ट्रायंगलों में ग्राफ बनाना पड़ता है एक्चुअल ग्राफ बनाना पड़ता है तो लेट अस अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम लॉ तो ये क्या कहता है मतलब पैरेललोग्राम लॉ सुनो ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम अ पॉइंट एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम अ पॉइंट दोनों वेक्टर ऑफ द सेम टाइप दोनों सेम टाइप के होने चाहिए ये फोर्स थे ये भी फोर्स But acting at and away from a point are represented by the adjacent sides of a parallelogram. A parallelogram ban gaya na? Then the diagonal drawn from their common point. Gives resultant vector in magnitude and direction. ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये लेंथ और ये लेंथ भी एक जैसे तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं पी बार ये लेंथ एक जैसे इसको भी बोल सकते हैं हम लोग क्यू बार क्योंकि लेंथ डिनोट्स मैग्नीट्यूड सपोज एंगल बिटवीन देम इज थीटा तो सुनो ध्यान से लॉ क्या कहता है इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप पहले क्या आएगा इफ टू वेक्टर्स ऑफ द टू वेक्टर्स If two vectors of same type
acting at and away from a point, acting at and away from a point, are represented by the adjacent side of what? Batao. Adjacent sides of what? Ye kya hai? Ye figure kya hai? Adjacent sides of what? A parallelogram. Of a parallelogram. Then diagonal. There are two diagonals drawn. Tell me, isko kya bolenge? देखो ये भी डायगोनल है ना, ये भी डायगोनल है, बट ये डायगोनल का नाम क्या देंगे हम लोग? स्पेशल नाम? एनीवन? डायगोनल ड्रॉन, ये वाला एक और डायगोनल होता है ना, ये मैंने नहीं बोला, मैंने ये वाला बोला. तो डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये आता ही एग्जाम में, मतलब इसका लेंथ निकालेंगे हम लोग, तो दैट विल गिव मैग्नीट्यूड. हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला निकालेंगे लेंथ के लिए, हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे बट फॉर्मूला निकालेंगे. पी का वैल्यू मालूम होगी, क्यू की वैल्यू मालूम होगी, थीटा की वैल्यू मालूम होगी, तो हम लोग आर का फॉर्मूले से सीधा आंसर निकाल देंगे. एक बार फिर से, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप acting at and away from a point, मतलब O our case, are represented by what? Adjacent sides of a parallelogram. Then diagonal drawn from their common point, represent resultant vector in magnitude and direction. सबसे पहले इतना लिख डालो, चलो लिखो first, मैं बोलता हूँ, dictate करता हूँ, ऐसा लिखो statement. स्टेटमेंट लिखो, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम अ पॉइंट, are represented in magnitude and direction, by the two, yahan pe two likh do, by the two adjacent sides of a parallelogram, represented by the two adjacent sides of a parallelogram. Then the diagonal drawn from their common point gives resultant vector in magnitude and direction, फिर अगला क्वेश्चन लिखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क करो, विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम. राइट डाउन, टू वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एंड आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा. Determine the magnitude and direction. Determine the magnitude and direction of their resultant. Using क्या बोल लिखूंगा बताओ, using आगे क्या लिखाऊंगा क्वेश्चन में? एनीवन? यूजिंग क्या लिखाऊंगा? आवाज नहीं आ रही है. यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, यूजिंग
parallelogram law of vectors. Sir, can you repeat the question? कहाँ तक लिखा तुमने? कहाँ तक लिखा? Two vectors are drawn from a point and inclined away. Inclined? Away? Sir. Away तो बोला ही नहीं मैं. Sir, I wasn't able to hear. My Wi-Fi was fluctuating, so I wasn't able to. Are inclined to each other at an angle theta. Inclined to each other at an angle theta. Full stop. Determine the magnitude and direction of their resultant using parallelogram law of vectors. और ये डायग्राम बना दो पहले, सबसे पहले डायग्राम बना दो ये. मैं जैसे बनाया वैसा बनाता हूँ. इसको ए बोला है मैंने, तो ए बोला है. Corresponding angle, this will also be theta. एरो जरूर बनाना, एरो भूलना नहीं. ओके, डायग्राम बना लो. यहां पे देखो प्रॉपर ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये ध्यान रखना. ये पूरा राइट एंगल होना चाहिए, ये बराबर ध्यान रखना. ये पॉइंट ई, ये है पॉइंट डी. यहां पे देखो 90 होना चाहिए. ये भले कुछ भी हो, फिर बाद में दिस ऐसा होना चाहिए. यहां पे स्टूडेंट क्या करते मालूम नहीं, ऐसा ड्रॉ कर देते, पता नहीं क्यों. ये डी है और ई यहां पे ऐसा दिखाई देता, विच इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. Can you see DE should be vertical. Proper draw करो figure. सीधा यहाँ पे अगर ऐसा draw किया, exam में उधर ही काट के zero देके आगे बढ़ जाएगा. Your diagram can be seen by everyone in any moment of time. ये मिटाऊं, ये ये भी लिखा है साथ में. देखो गिवन क्या है, पी बार, क्यू बार और थीटा, एंगल दिया है. फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम ये हमें ढूंढना है. और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ आपके सामने. और मुझे बीच बीच में मुझे हेल्प चाहिए. मुझे आजकल भार्गव आंसर दे रहा है, काफी आंसर दे रहा है भार्गव. अफीफ पहले से ऐसा नहीं रहा. अफीफ हैज इज नॉट आंसरिंग, बट विधि आल्सो आंसर्स. प्रिशा भी कभी कभी पता नहीं उसके मूड पे रहता है, कभी बोलती कभी नहीं बोलती, बट शी इज अ गुड स्टूडेंट आई नो. मिटा दूं, ये मिटा दूं, इतना मिटाऊं क्या? ओ बच्चों,
given or to find बिता रहा हूँ मैं. अब देखो ये डायग्राम में एरोज देखो, ये एरोज बोलना, ये सब एरोज ड्रॉ होने बहुत जरूरी है. मैं नोट दे सकता था लेकिन मैं पर्पसली आई वांटेड टू ड्रॉ बिकॉज एरोज में बहुत मिस्टेक करते हैं, पता नहीं स्टूडेंट डोंट लाइक एरोज. अब सुनो, लेट द टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. इट इज साइड ए बी रिप्रेजेंट पी बार, side AC represents Q bar. Anybody can tell me this length AB must be what? Length AB must be what? What is the length AB gives? The answer, please, Dena Mirgo. What is length AB gives? B bar. Huh? B bar. Awaj, awaj. So P bar, P bar, P bar. P bar vector thodi hai. Length kya deta hai? Length kya deta hai? खाली लेंथ ए बी क्या, अगर लेंथ बड़ी होती लेंथ छोटी होती तो क्या पता चलता उससे? एंड ए सी के बदले क्या लिखूं बताओ? लेंथ ए सी गिव्स व्हाट सर? क्यू. Q or AB is also equal to what? CD bhi utna hi hai. See, length CD and length AB are equal, na? So that will be, and Q ke AC equal to what? Tell me. BD. All right, ye bhulna nahi. Acha, aap mujhe batao, what is length AD gives? Sir, length magnitude AD of resultant. That is R. Matlab, agar main length AD find out kar rehta hun, That means, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मिल जाता है. अगर मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, लेंथ AD अगर मुझे मिलती है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ. ऑलराइट, डू यू एग्री? तो सबसे पहले बात तो ये डायग्राम के बारे में लिख डालो थोड़ा, क्योंकि आता है एग्जाम में. ऐसा लिखो, लिख द टू वेक्टर्स पी बार एंड, ये मत लिखना अभी, मत लिखना ये. ऐसा लिखो, लिख द टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार be represented by sides AB and AC. By sides AB and AC as shown in the figure. AB and AC as shown in the figure. Then complete the parallelogram ABDC. Complete the parallelogram ABDC. Complete the parallelogram ABDC. Full stop. Then the diagonal. मैं space छोड़ रहा हूँ, तुम बताओ. Represents the magnitude and direction of the. क्या लिखूंगा diagonal? रिजल्टेंट. यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है. What is, anybody can tell me? Diagonal AD. Anybody can tell me इधर क्या लिखूं? Diagonal AD. That's right. Then the diagonal AD represents magnitude and direction of resultant vector. Therefore, you can say, हाँ नहीं 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 इतने इसके बाद लिखो. Draw DE perpendicular to AB produce. Draw DE perpendicular to AB produce. AB को produce किया है और DE से perpendicular drop किया है. Draw DE perpendicular to AB produced. Draw DE perpendicular to AB produced. अच्छा मुझे बताओ, अब मैं लिख सकता हूँ. Therefore, AB अब लिखना चालू करो. AB equal to CD equal to ये जगह मैंने छोड़ दिया. And AC equal to BD equal to ये जगह मैंने छोड़ दिया. ये तुम लोगों को लिखना है. And AD equal to इधर मैंने जगह छोड़ दिया. कौन बताएगा इधर क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो.
So P bar. P bar नहीं, खाली P length represents P. This length represents Q and this length represents R. That means length AD अगर measure किया तो उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं magnitude of resultant. From triangle AED. From triangle AED. मुझे किसमें इंटरेस्ट है, मुझे कौन सी लेंथ में इंटरेस्ट है, मुझे बताओ. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो देता है वो कौन सी लेंथ है? एनीवन? AD. तो कैन आई से फ्रॉम ट्रायंगल AED, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE. क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्यों लिखा मैंने ऐसा बताओ? The Pythagoras theorem. क्यों लिखा, काहे लिखा? Which theorem? Pythagoras. Pythagoras. That is right. That is equal to AB plus BE ka whole square plus BE square. Any doubt in this? Bolo. No sir. Bolo, any doubt? No sir. Can I square by using A plus B whole square formula? That is equal to AB square plus 2 times AB into BE plus BE square plus DE square. Anybody can tell me what is BE square? BE square plus BE square. Diagram देख के मुझे बताना है आपको. Sir, इसके बदले तो आप यही लिख करो. What is that? बोलो. BE square plus DE square is what? Again, Pythagoras theorem. देखो. Sir, B. BD. The resultant. BD. BD square. लवली आंसर. ओके, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन. पहले आप इतना करो, इतना कॉपी करो, क्योंकि आज शायद पूरा नहीं है. लेस देन वन मिनट, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका. लेस देन वन मिनट केमिस्ट्री डायरेक्टली आफ्टर दिस लेक्चर. इसके बाद क्या? नहीं, सीधा 7 o'clock है अभी. इसके बाद में you can prepare in between for the test of Sunday. 7 to 7:40. You want me to take one more lecture? तो मैं ले डालता हूँ. बोलो. All of you want? क्या? साहब की मर्जी. नहीं नहीं, तुम लोग की क्या इच्छा है क्या? एक दिन में. Sir, preparing for test. Okay, ठीक है. Sir, which test? Sunday का तुमको test.